सो गाइस यहाँ की लस्सी वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलकांस व्लॉग। सो गाइस आज सोमवार तो हम दर्शन करने जाएंगे भगवान का। एंड सुबह उठते ही आप देखो मेरे फेस पे पता नहीं क्यों ग्लो आ जाता है। तुरंत उठती हूँ, तुरंत कैमरा ऑन कर लेती हूँ, ग्लो आ रहा है ना, देखो कुछ ज़्यादा ही शाइनी करने लगता है। अब मैं सोया करूँगी, सबसे बेस्ट रहेगा। दोपहर में भी सो जाऊँगी, सो के उठूँगी, ऐसे ही ग्लो करेगा क्या? कुछ क्रीम और लगाना ही नहीं पड़ेगा। आज का वेदर भी काफ़ी शानदार है, पूरा बारिश का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे ही भगवान बारिश का मौसम रखे, पर बारिश आया पता नहीं क्यों भौंके जा रहा है। क्या हुआ गुच्ची, क्या हुआ बेटा? उसको भूख लग रही, मुझे लग रहा है। मिठू यहाँ पे अपना आराम कर रहा है, यहाँ पे मेरी बहन खा रही है नाश्ता। नाश्ता मैंने को क्या है, दाल की पूड़ी है क्या? आमरस और आलू की पूड़ी, ये सब खा रही हूँ। ओह, रेडी वेडी होके बंटन के कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? काम से बाहर जा रही हो? वाह, सुबह सुबह ही काम से बाहर भी जा रही हो। क्या हुआ यार, तुम चिल्लाते तो अच्छे नहीं लगते हो, शांत रहा करो। अजनबी हवाएं बेकरार आए, दे रही सदाएं, आजा आजा। इतना अच्छा वेदर है ना, मजा आ गया। अभी जो मैंने गाना गाया ना थोड़ा सा, वो आप लोगों ने क्या वो मूवी देखी और वो मूवी का नाम क्या आप लोग बताना, मैं भूल गई। आ रहे बच्ची किचन में देखने के लिए, मम्मी का है, बट मम्मी यहाँ पे है नहीं। आलू की पड़ी है, पूड़ी बनाने का सारा इंतजाम है, बट मम्मी का है। काफी गट्टे का सब्जी बना रही हूँ, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेड बटर एंड चाय। यहाँ पे ये फोन चला रही है, अभी तक गई नहीं है। यहाँ पे गुची खेल रहा है मम्मी के साथ, मैं बॉल फेंको उसको, बॉल फेंको उसको, बॉल से खेल रहा है, इसको बॉल बहुत पसंद आया वाला। भाग ऐसे रहना से। तो गाइस गुची तो मेरा बच्चा सो रहा है, आप फाड़ लेते हैं। सो जाओ बच्चा, उठा नहीं रहे हैं, सुला रहे हैं, सो जाओ। देख रहे हो आप लोग, बारिश एकदम जमकर हुई है, पूरा भीज गया है। तो बारिश अभी रुक गई है, मैं फटाफट नहा लेती हूँ, फिर हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। भगवान का दर्शन करना है ना। और आपको एक चीज़ दिखाऊँ, चलो दिखाती हूँ। ये देखो फूल अभी तक है, इतने प्यारे लग रहे हैं ना। बारिश के बाद है ना, सारे पेड़ फूल सब खिल जाते हैं, देख रहे हो, सब ग्रीन ग्रीन हो गए, इतना प्यारा लग रहा है ये नज़ारा। एंड हमारी तुलसी माता भी काफ़ी खिली खिली है, देखो है ना। और ये हमारा जो पेड़ है ना केले का, मैंने बताया था ना कि ये मतलब मेरी दादी के टाइम का केले का पेड़ अभी तक ये है। सोचो इसके अंदर ही कब से है, देखो जड़ कितनी मजबूत है इसकी, क्या। चलो हम फटाफट चलते हैं, वरना और तेज़ बारिश हो जाएगा, नहा लेते हैं। अभी मैं ये ट्रैक पैंट और ये वाली फुल टॉप पहनूंगी। ऐसे फुल टॉप मेरे पास सारे कलर्स हैं, ब्लू, रेड, वाइट और भी कलर्स हैं, और ये ग्रीन। तो आज ये वाली मेरे को बहुत तेज़ नींद आई है, देखो खराटा मार रही थी मेरी मम्मी। उड़ जाएगी तो अभी मुझे चाटा पड़ेगा। ना 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 ना, डायन डायन नहीं तो ना 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 ना। मम्मी कितना मस्त सोई है, देख रही हूँ रॉफी एकदम, देख मैं कैसे सोई है, देख एक बार मम्मी को देख, देख ऐसे कमर पे हाथ रख के सोई है, देख ना। तो अभी चाटा खा लोगी, चट चट कर देगी मम्मी उठ के। चाटा मारो, मैं उठ के चाटा मारो। चिल्लारी तो मेरे पास आके बैठ गया, देखो इतना सियाना बच्चा है ना। कितना मैं बोलते पत्थर वत्थर मत खाए करो, मुंह छुपाओ कुछ, मुंह छुपाओ, तू डांटेगी कुछ, चुम्मा ले लेते इसी बहाने इसको। ज्यादा की पत्थर वत्थर खा के आता है मम्मी ये। नहीं नहीं गुच्ची पत्थर मत खाया करो बेटा। टॉफी देखो कैसे देख रहा है वो, मत देख मत देख। गुच्ची गुच्ची मुझे मम्मी के पास छुप जाओ, जाओ ये गुच्ची देखो मैं छुप गया कैसे। गुच्ची मुझे मम्मी बुला रही है, जाओ नहीं जाएगा। अब मेरे पास जिम का और है, मैं निकल रही हूँ, मैंने जिम का बैग भी ले लिया है, बिकॉज मेरे को नहीं पता मेरे को कितना। मेरे जिम का बैग देख के इधर से उधर उछलने लगता है, उसको लगता है इस बैग में बहुत सारे खजाने हैं, बट उसे नहीं पता है सिर्फ शूज है और साथ में मेरा जिम का ड्रेस है, समझे। और मौसम बहुत प्यारा हो गया, बारिश भी रुक गई है, गेट बंद कर देता है। गुच्ची जाओ अंदर, जाओ जाओ ना गुच्ची यार, गो। गाइस मैं आ गई बूता, देखो पूरा रास्ता भीजा हुआ है बारिश के कारण, एंड यहाँ पे इतना प्यारा सा झंडा लगा हुआ है। देखो हम जाएंगे मंदिर के अंदर, बाकी मंदिर अभी बंद है, थोड़ा वेट करना होगा अंदर जाने। सो गाइस यहाँ फूल प्रसाद 70 रुपीज का है ना, पानी का है, वो पानी जल से दे रहा है। सो गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबी लाइन है, हमने प्रसाद प्रसाद देख के लाइन लगा, 4 बज रही है अभी लाइन, देख रहे हो आप 4 बजे की लाइन। जैसे ही खुलेगा फटाफट सबके दर्शन हो जाएगी। बाकी आंटी और सब हवा खा रही, इनको काफी गर्मी लग रही है।
मंदिर जाएंगे तो रेड वाला हमने माला ले लिया है, तुलसी ले लिया है, ऑरेंज वाला सिंदूर भी दे देना, ऑरेंज सिंदूर लेंगे। ये देखो इतना फ्रेश, इनके पास बहुत सारे फ्रेश फ्रेश फ्लावर्स है। देखो तो यहाँ पे लड्डू लिया है, देखो ये बेसन के लड्डू जो है ना वो हनुमान जी को बहुत हमारा रेडी है। देखो ये भगवान हनुमान जी के लिए, हनुमान जी का श्रृंगार काफी ज्यादा प्यारा है, देखो येलो कलर में। या देखो जूम करके दिखाती हूँ, आज बहुत सुंदर लग रहे हैं हमारे हनुमान जी, नए नए ड्रेस पहने हैं। क्यूट सी बिल्ली है देखो, छोटी सी ना, देखो जा रही है। पंडित जी नहीं है, साफ सफाई हो रही है यहाँ, देखो पूरी कीचड़ खातर हो गई बारिश की वजह से, इसलिए यहीं पे चढ़ा दिया। लड़कियां तो टच नहीं करते ना हनुमान जी को, तो मैंने किसी को बोल के चढ़वा दिया है, तो बाय बाय हनुमान जी। देखो खाली भगवान को प्रसाद भी चढ़वा दिया, देखो भगवान जी खाली लड्डू। चलो चलते अब आगे। यहाँ पे भी शिव जी बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे, देखो है ना, शिव जी पार्वती जी सब कुछ अच्छा लग रहा है। सो गाइस ये लड्डू बहुत ज्यादा टेस्टी है, बेसन के लड्डू मुझे पसंद है, एक घर के लिए ले लिया, एक खुद खा लिया। इस भूतनाथ में ना फेमस लिट्टी चोखा एंड चाय मिलता है केसर वाला, तो ये लोग भी भगवान को बहुत मानते हैं, शिव जी को। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा डेकोरेशन करके रखा है फ्लावर से उन लोगों ने। सो यहाँ पे मैंने केसर वाली चाय पी, केसर की क्वांटिटी देख रहे हो, एंड चाय का टेस्ट ओ माई गॉड इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो ये लोग टमाटर चाट भी बनाते हैं, लिट्टी चोखा भी बनाते हैं, तो जब भी मैं भूतनाथ जाती हूँ ना तो चाय और लिट्टी चोखा ज़रूर खाती हूँ। सो अगर आप भी जाए तो विजिट करें तो ज़रूर खाना, चटनी आलू एंड एकदम टेस्टी सा लिट्टी, छोटे छोटे बढ़िया घी वाले। सो अब हम जा रहे हैं घुसड़ी धाम मंदिर, तो वहीं भूतनाथ में ही आपको बोट मिल जाता है। बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, देखो लॉन्च आ गया हमारा, चलो हम चलेंगे, मस्ती मजा आएगा। सो गाइस अब आने वाला है बहुत ज्यादा मजा, बिकॉज ठंडी ठंडी हवा आएगी। हम जाएंगे अब घुसड़ी धाम मंदिर, तो श्याम बाबा का भी हम दर्शन करेंगे, तो आज मेरा दर्शन का दिन में ही निकल जाएगा। तो मैंने सोचा मूवी देखने का, बट देखो होता है कि नहीं, कोई नहीं, भगवान का दर्शन कर लिया और चाहिए क्या लाइफ में। और एक चीज मैंने जाना है कि यार सब मोह माया है, भगवान ही सब कुछ है। गए श्री श्याम मंदिर घुसड़ी धाम, चलो उसके अंदर चलते हैं, आज यहाँ का भी दर्शन करेंगे। इनका प्रसाद फूल माला ले लूँ, ये फ्रेश फ्रेश है, बहुत अच्छे स्मेल आ रहे हैं इसमें से। तो भैया यहाँ पे तुलसी का पत्ता और रोज़ लगा के हमें देंगे ऐसे, और यहाँ पे कुछ सेंट भी है, देखो इसे सेंट बोलते हैं, इतर बोलते हैं ना, इतर है, देखो इतने सारे इतर है। भगवान को पसंद है क्या तुलसी का पत्ता, में फ्लावर बांध के भैया ने दे दिया है। इस मंदिर देखो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, देखो आज ना भगवान का दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, वो तो मैं टाइम से पहुँच गई और पर्दा लग गया, अच्छा हुआ हमने दर्शन कर लिया, तो काफ़ी सुकून मिलता है यार भगवान का दर्शन करने से। उधर बैठेंगे उसके बाद हम चलेंगे एकदम ठंडी ठंडी लस्सी पियेंगे, एकदम मलाई डालकर, देखो अरे गिर गई मेरे ऊपर। यहाँ पे बहुत अच्छा लस्सी मिलता है, मेरे को ऑटो वाले भैया ने बताया, जो यहाँ पे ऑटो स्टैंड है ना यहाँ पे जो छोड़ते हैं उसके ठीक सामने ही आपको ये लस्सी की शॉप दिखेगी। यहाँ की लस्सी वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो आप भी ट्राई जरूर करना। वेदर भी बहुत ज्यादा प्यारा हो गया, और आप देखो इतना अच्छा लग रहा है, हावड़ा ब्रिज वगैरह बारिश आ रही है थोड़ी थोड़ी। सो गाइस बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है इसके अंदर ही मैं डूब जाऊँ, इतना प्यारा लग रहा है, बट नहीं डूबूंगी यार, टेंशन मत करो, फिर आप लोग मुझे मिस करोगे यार, मुझे पता है। यहाँ देखो यहाँ से ना स्टीमर आ रही है, इसमें हम लैंड करने वाले हैं, अच्छा खासा बारिश भी आ रही है हल्की हल्की, आ गई, इसी में हम जाने वाले हैं मस्त। गाइस बारिश बहुत तेज हो गई, देखो अगर गीला गीला हो गया, साथ में हम ये खाएंगे, ये देखो घाट पे उतरती भूतनाथ के घर पे, इतना कुछ खाने को मिल जाता है, ये देखो वो देखो, तो ये सब चना चाट। बारिश का वेदर और भुट्टा ना का ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी अच्छी भुट्टा मिल रही है आपको दिखा के, एकदम नरम का, इतनी अच्छी क्वालिटी है भुट्टा की यार, मजा आ जाएगा भुट्टा खा के। तो भैया छील रहे, मेहनत कर रहे, छील छील के देखो, हवा दे रहा है। तो जहाँ पे घाट है ना, मतलब जो घाट पे जाते हैं हम लोग बांदा घाट के लिए, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे भुट्टा मिलता है, और अंकल बहुत मेहनत से भुट्टा बनाते हैं, एकदम गर्म गर्म भुट्टा, नींबू नमक लगा के भैया ने मेरे को दे दिया। तो गाइस अभी मैं जस्ट घर आई हूँ, मम्मी ने एकदम मस्त आमरस बनाया, देखो एकदम आज आमरस बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, भिंडी की सब्जी मेरी फेवरेट एंड फल का, और मैंने बोला यार थोड़ा अचार वचार दो, अचार खाऊंगी साथ में, बहुत दिन से मैंने अचार टेस्ट नहीं किया। वैसे मुझे पंचमेल का अचार बहुत गुच्ची के साथ खेल रही, देखो राउंड एंड राउंड, मम्मी पंचमेल का अचार बिना मौसी से बनवा लो ना यार, या फिर प्याज का अचार आप ही बना लो, प्याज का अचार वगैरह आप बना लो, जानते आप बनाएगा नहीं। खाना खा
रात को एक अलग ही सीन हो गया हमारे घर पे, मच्छर भर गया। वो छोटा छोटा मच्छर पता नहीं कहाँ से आ जाता है बारिश के टाइम पे। तो इस रूम में भर्ती हुआ है क्योंकि इस रूम में मैं बैठी थी यार, डर लग रहा है। ये खतरों के खिलाड़ी बन के अंदर जा रही, जाके मैं एयरपोर्ट लेके आना, जाना हम छत पे जा रहे हैं भाई, हम मच्छर पे नहीं। कहाँ गया मच्छर, कहाँ गया मच्छर? गुच्ची भी आ गया देखने मच्छर को, बता टेंशन हो गया, पूछी ला क्या रहा है, खुश है ये तो मच्छर को देख। कहाँ है था टॉफी, ऐसा हो ही नहीं सकता, गायब। आ गया गुच्ची, पता नहीं कहाँ है पापा, कहाँ है था टॉफी। गुच्ची तुम क्यों खुश हो रहे हो भाई? तो गाइस आजकल लोग ये पहन करते हैं, वेदर है ना काफ़ी अच्छा रहने लगा है कोलकाता का, बारिश आ जाती है, वेदर बहुत सुहाना हो जाता है, गर्मी जा चुकी है। एंड ये मच्छर लोग है ना यार, ये बारिश के जो मच्छर होते हैं पता नहीं रात को आ जाते हैं, और जब मैं मम्मी पापा को उठाती हूँ तो गायब हो जाते हैं। मतलब मुझे फंसाने का इन लोगों ने पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रखा है। फिर मम्मी पापा डांटते हैं कि रात को नींद खराब हो गई, पर क्या करूँ यार, मच्छर मेरे ऊपर मंडराते हैं ना। वो काटने वाले मच्छर नहीं होते, वो जो एक तो वाइट फर वाले मच्छर होते हैं ना, आप बताना उस मच्छर को क्या बोलते हैं और वो लोग बारिश के टाइम पे क्यों आते हैं, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताना। बाय बाय, अपना ख्याल रखना।